rahim assalamu alaikum student this is oxford progressive english for class seven now we have our chapter number three with part number six on page number on page number 39 we have a christmas party story and this is the second part of paragraph number six आई वुड प्रेफर क्रिकेट मैं क्रिकेट को प्रेफर करूंगा आई टोल्ड ही मैंने उसको बताया दैन वही टॉमीज और हो सकता है इस तरह हम टोमीज टमीज मीन अ सोल्जर नेम ऑफ आर्मी आर्मी की सोल्जर का नेम्स जिनको सारे सोल्जर्स को एक ही नाम के साथ बुलाया जाता है टॉम एंड देन इन प्लूरल्स दिस इज कॉल्ड टॉमीज ड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली और हो सकता है किस तरह मेरी आर्मी के जो टॉमीज हैं कि जो, जो सोल्जर्स हैं वो ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएं। वही <coughs> लाफ हम हंसे एट दैट अपनी इस बात पे एंड टुगेदर वी वॉच गेम और फिर हम दोनों ने गेम देखी से टू to टू से अफसोस से कहना पड़ रहा है कोनी। फेड्स फेड्स मतलब अपोजिट आर्मी ओपोजिट आर्मी के सोल्जर्स को फेड्स कहा जाता है और जो यहाँ की आ, है उन्हें टॉमीज तो फेड्स एंड टॉमीज सो फ्स वन द गो टू गोल्स टू वन फिट दो गोल्स से जीत गए बट एज हैंड्स वनरसली सैड अवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स कि हमारे ही इनके जो हम हार चुके थे तो हमारे गोल ज्यादा अच्छे थे जो जीतने वाली टीम है उनसे सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर तो ये खेल फेयर नहीं था बिल्कुल पैराग्राफ नंबर सेवन दैट टाइम केम और फिर वो वक्त आ गया एंड आल टू सून और बहुत जल्द आ गया वन द गेम वॉज फिनिश्ड जब गेम ख़त्म होगी एंड केक एंड द टिन मीट हैड लॉन्ग सिंस रन आउट के हमारा क्रिसमस केक और जो पैक मीट था वो भी अब लम्बा अर्सा हमारे साथ नहीं रहा मीन वो भी ख़त्म हो चुका था एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर और हम जानते थे कि अब सब खत्म हो चुका है आई विश हैंस वेल एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा हो एंड टोल्ड हिम और मैंने उसको बताया आई होप ही वुड सी हिम्स फैमिली अगेंस्ट उनके जल्द ही अब अपनी फैमिली को देख That is इज़ दैट द फाइटिंग वुड एंड और ये फाइटिंग जल्दी एंड हो जाए एंड वी कुड आल गो होम और सब हम घर जा सकें आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वार्स ऑन बहुत साइड हैंस वैड हैंसुल्फ ने कहा के uh, मेरे ख्याल से यही वो एक चीज़ है या ये दोनों तरफ के सोल्जर्स चाहते हैं कि अब जल्दी से जंग जो है वो ख़त्म हो सके और सब अपने घर जा सकें टेक केयर जिम एक्टेडसन आई शिल नेवर फो गेट दिस मोमेंट ये मैं वक्त जहाँ ये लम्हा कभी नहीं भूलूंगा नो यू और ना ही तुम्हें। ही सलूटेड एंड वॉक अवे फ्राम यू स्लोली एंड विलिंगली और वो फिर मेरे पास ने मुझे सल्यूट किया और फिर मेरे पास से न चाहते हुए वह आहिस्ता से चलता हुआ आगे बढ़ा आई फेल्ट मैंने महसूस किया ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन वी केम वन ऑफ द हंड्रेड ऑफ ग्रे कॉटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टू वर्ड्स इ ट्रेंटीज और फिर वो सिर्फ एक बार पीछे मरा और उसने वेव किया हाथ हिलाया और फिर वो उन सौ ग्रे कोटेड लोगों में शामिल हो गया जो वापस अपनी यानी अपने वापस बॉर्डर की तरफ जा रहे थे डैक नाइट उस नाट बैक इन डग आउट में अपनी छोटी कश्ती में वापस आए वो हियर सिंगिंग अ कैरल और हमने सुना कि वो अपने एक रिलीजियस सॉन्ग कैरल मीन अ रिलीजियस सॉन्ग गा रहे हैं एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली और उसे बहुत खूबसूरती से गा रही इट वॉज स्टिल नेट नाइट आवर बॉयज गिव दैम आर राउजिंग कॉरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वास्ट और हमारे लड़कों ने भी उनका जवाब दिया कॉरस के साथ कॉरेज इज़ आल्सो पैराग्राफिकल सॉन्ग एंड सॉन्ग वाज़ वाइल्ड शेफर्ड वास्ट वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल्ड और हमने कुछ देर तक ता इसी तरह गानों का एक्सचेंज किया एंड देन वी आल फेल साइलेंट फिर हम सब लोग खामोश हो गए वी हैड हैड वी हैज हैड और टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल हमने आ, अपना टाइम बहुत अच्छा अमन सुकून के साथ गुजारा आर टाइम आई विल ट्रैयर एज लॉन्ग एज आई लिव और वो ऐसा वक्त के जो हमेशा मेरे लिए खजाने की तरह रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा पैराग्राफ नंबर एट डियरेस्ट कोनी बाई क्रिसमस टाइम दैट ईयर नेक्स्ट ईयर के डियरेस्ट कोनी अगले साल क्रिसमस का जब तक वक्त आएगा दिस वार विल बी नथिंग और तो तब तक ये वार जो है वो कुछ भी नहीं होगी हो सकता है ख़त्म हो जाए बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमरी सवाए एक खौफनाक या एक जो कोल्डिश डिश डिस्टेंट मतलब एक कोल्डिश डिश मेमरी की तरह मेरे पास रहेगी यानी याद रहेगा मुझे आई नो फ्राम ऑल दपेंड टूडे में मुझे वो सब याद है मैं जानता हूँ मतलब कि जो सब कुछ आज हुआ हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस और मैं जानता हूँ कि जो कुछ आज हुआ सब दोनों आर्मीज़ जो हैं वो यही चाहती हैं कि यू लॉन्ग मीन ख्वाहिश करती हैं विश करती हैं पीस के लिए वी शैल बी टुगेदर सून अगेन सून और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों अगेन जल्द मिलेंगे आई एम श्योर ऑफ इट मुझे इसके बारे में यकीन है यू लविंग जिम जिम तुम्हारा प्यारा जिम नाउ वी हैव एक्सप्लेनेशन अबाउट टॉमी प्रूरल टॉमीज एंड फीज आर द नेम्स गिवन टू दर्डनरी ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर रिस्पेक्टिवली उनको उनकी इज्जत और तक्रीम की वजह से ब्रिटिश या जर्मन के सोल्जर्स को नेम दिए जाते हैं टॉमी या फिड्स देवर वेरी कॉमन नेम्स फॉर बॉयज ऑफ द टाइम और ये उस वक्त के लड़कों के नाम बहुत ज्यादा एंड आर नॉट इम्पोलाइट और अफेंसिव और ना ही और ये इम्पोलट मतलब कि ये सहत या नफरत अंगेजल्फाज नहीं थे बट फ्रेंडली और अफेक्शनीट ये फ्रेंडली ये दोस्ताना और मोहब्बत बड़े लफ्स थे जो कि सोल्जर आर में सोल्जर आर्मी में सोल्जर्स को दिए जाते थे जैसे हमारे यहाँ सिपाही या मुजाहिद कहा जाता है या फौजी कहा जाता है सिमिलरली दीज आर कॉल्ड टॉमी और फ्ड्स जैसे हम अपने आर्मी uh, सोल्जर्स को फौजी कहते हैं या उनको सिपाही कह के बुलाते हैं मुजाहिद कहते हैं तो जर्मन या ब्रिटिश में भी लोग अपने फौजियों या सोल्जर्स को टॉमी और फिड्स के नाम से पुकारते हैं इन तर्कश दैन दिस इज आलसोकार दोल्जर इज मैकमेटिक महमेक सो नो मैन लैंड एक्सप्लेनेशन इज द स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द एनिमीज़ फ्रंट्स ये दोनों एनिमीज़ के दरमियान एक स्ट्रिप होती है फॉर एग्जाम्पल दिस इज एनिमी एंड दिस इज एनिमी एंड दिस वाइट इज अ स्ट्रिप एंड दिस स्ट्रिप इज कॉल्ड नो मैन लैंड के विच बिलोंग्स टू नेदर साइड जो किसी भी साइड की तरफ नहीं होती मतलब ना वो इसका एरिया होती है इस साइड का इस कंट्री का ना ही वो इस कंट्री का एरिया होती है इट इज़ न्यूट्रल टेरिटोरी बिलोंगिंग टू नो मैन और ये एक न्यूट्रल टेरिटोरी होती है जो कि किसी का भी हिस्सा या किसी का भी हक नहीं होती सो दिस इज़ कार्ड नो मैंस लैंड यानी कि किसी का भी ज़मीन ना होना या किसी की जागीर का हिस्सा ना होना सो वी हैव नाउ वर्ड्स मीनिंग और फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज रेनोवेट रिपेयर ट्रेंच डीप होल्स क्रिस्प ट्रेंच डीप होल्स मीन जैसे वो बनाए जाते हैं मोर्चे बनाए जाते हैं क्रिस्प ड्राई पैरापेट लो वॉल टेंट अ सॉफ्ट पैकिंग शीट या पैकिंग मटेरियल सेलो अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गॉड पॉस्ट टू साइडेड गेम डग आउट्स लिटल बोट कॉरस पैराग्राफिकल सॉन्ग टेरिटोरी एरिया डिस्टेंट कोल्ड You have to write these word meaning in your neat notebook and also learn it. Now we have question answer. Our first question is What is fiction? Fiction stories are written stories about people and that are no and events that are not real. Question number two What is an orchestra? A group of musicians who play usually classical music together who are led by conductor. Question number three: What are the color of German and British? German were in grey and British in khaki uniforms. What are the significance of white flag? It was the significance of peace. Question number five: What did Jem tell him his men to keep their heads down because he thought that it may be trick of his enemy to attack on them? Now we have question number six. Question number six is what is private Morris? Private Morris is a traditional dance performer. Question number seven, what were what were they make suggestion about how to create peace? They were making suggestion by playing football because no one died in football match. Next question: tell the name of German and British chorus sung by them. The German chorus was The Still Natch Night. The British chorus was When Shepherd watched Next, what did the first world war started and end? It started from august nineteen fourteen, ended on november nineteen eighteen. Our last question is what was the significance of the breaths of Jim and Hans Wolf mingling in the air between them? The answer is it was the sign of the resolution of resolution of their own war so student this was your chapter number 3 you have to write these answer question in your neat notebook and also learn it thank you